अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, पाक आर्मी की वेटिंग लिस्ट के हवाले से आज मैं कुछ अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मेरे से 100 प्लस कैंडिडेट ने ओनली वन क्वेश्चन किया कि सर, काइंडली हमें इस वेटिंग लिस्ट के हवाले से बताएं, क्या क्या हम भी सिलेक्ट होंगे, क्या हमें भी कॉल्स आएंगी, कब आएंगी, इस हवाले से हमें फुल डिटेल्स दीजिए। फ्रेंड्स, वो मैसेजेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मुझे कौन से मैसेज किए जा रहे हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं आपको वॉइस पर शेयर कर रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो इसलिए वेटिंग लिस्ट में आए हैं क्योंकि उनका जो मेरिट था वो तकरीबन थोड़ा सा लो था जो मेरिट लिस्ट में उनकी निस्बत। अभी वो कैंडिडेट जो मिस हो जाएंगे मेरिट लिस्ट वाले, जब वो मेडिकल के लिए नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बुलाया जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसीजर होगा कि जैसे ही वो नहीं जाएंगे आपको बुला लिया जाएगा। जो कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करेंगे फिर भी आपको बुला लिया जाएगा। इसी तरह से ऑल ओवर उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो फर्स्ट नंबर पर होंगे। आप ये देखें आपका वेटिंग लिस्ट में नेम कौन सा है, आप उन तमाम में से अगर ऊपर वाले नंबर्स में हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद रखिए कि आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। मगर ना, अगर आप थोड़े लास्ट वाले नंबर्स में हैं या मिड में हैं तो फ्रेंड्स आप इस बात को याद रखें कि आप किसी और जॉब में अप्लाई करें ताकि आपको भी किसी ना किसी जॉब में जगह मिल सके, ताकि आप कहीं भी ज्वाइन कर सकें। क्योंकि अगर आप इसी उम्मीद पर रहे कि वेटिंग लिस्ट में हूँ, मुझे कॉल आ जाएगी, कोई लड़का मिस हो जाएगा, तो इस तरह नहीं होगा। काइंडली आप कोशिश करते रहें क्योंकि कोशिश करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मेरी जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होती है या कोई भी मेरी लेटेस्ट अपडेट जारी होती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।